हम लोग 5 स्टार पे आ चुके हैं और बिलाल को देखो ये कैसा रेडी हुआ है। पूरा इसको देखो बिलाल, क्या क्या पहना है ये क्या क्या पहना है बिलाल रेडी हुआ। और अशर को देखो, ये भी बड़ा मजे का रेडी हुआ है। इसने हाथ पे बैंड पहने हैं, इसने भी पहने, इसने स्टिकर लगाया है। हम लोग हैं 5 स्टार पर। ये पब्लिक चेक करो, पब्लिक चेक करो। ये अब बस फायरवर्क्स होने वाले हैं और 5 से 10 मिनट बाकी हैं। अब हम चलते हैं उस साइड। इतने रश में फाइनली हमें जगह मिल गई है। रश चेक करो ये, और भी लोग आ रहे हैं। इतने रश में अशर और बिलाल को मैंने जगह दिलवा दी है कि बस इधर खड़े हो जाओ। और 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट बाकी हैं। हम हैं 5 स्टार पे। हम कहाँ पे अशर, हम कहाँ पे खड़े हैं अभी? 5 स्टार चौरंगी के पास जो पुल है उधर खड़े हुए हैं, ताकि यहाँ से हम फायरवर्क्स देख सकें। अब 5 से 6 मिनट है और फिलहाल अशर बहुत एंजॉय करेंगे। मोबाइल लाओ, वीडियो बना लेना। क्यों? अच्छा मेरे व्लॉग में देखोगे? हाँ। बोलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जोर से बोलो ना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बिलाल कह रहा है कि मैं खड़ा रह रहे के थक चुका हूँ। बिलाल बोलो, क्या बोल रहे हो? 12 कब बजेंगे? मैं तो थक गया हूँ भाई, मेरा तो दिल चाह रहा है, मैं जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहे। अभी बच जाएंगे 2-3 मिनट बाकी होगी बस। और ऊपर से शपाटर बॉयज ये बाजा बजा रहा है। पाँ पाँ। बिलाल को बिलाल को भी बाजा चाहिए था मगर मैंने ऐसे दिलाया नहीं। अशर क्या कह रहा है भाई? अशर क्या कहूँ, बोलो। दिलाते ही नहीं है, क्या बजाएं? तो बाजा कोई बजाता है? वो छपाटर बॉयज बजाते हैं। कम कौन है फिर? अशर बिजी है वेट करने में कि कब 12 बजेंगे। मैं बोला भाई बजने वाले हैं और मैं आपको नीचे पुल के लोग दिखाऊंगा। शोर हो रहा है यार, दिखाओ इधर। रोड रोड पे इतना रश हो रहा है, रश भी हो रहा है और शोर भी बहुत हो रहा है। फाइनली स्टार्ट हो गए काउंटिंग। गिनो मेरे साथ बिलाल। 10, 9, 8, 7, 6, 3, 4, 6 के बाद 5 आता है। फिर से गिनो, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। ओ अशर क्या हो रहा है, मजा आ रही है? अब हो चुकी है 14 अगस्त नाइट। आज हम 14 अगस्त को कहीं भी नहीं गए क्योंकि रात को अशर बिलाल को घुमाया, फैमिली को घुमाया, फिर ये लोगों ने आइसक्रीम खाई। फिर उसके बाद मुझे दोस्तों की कॉल आई कि अब हमारे साथ आ जाओ, फैमिली को बहुत टाइम दे दिया। और हम लोगों ने 4-5 बजे तक खाना खाया, घूमा बाइकों पर शपाटर बॉयज की तरह। सो के मैं उठा हूँ मैक्सिमम 4:30 बजे तक उठा हूँ, फिर नाश्ता किया, फ्रेश हुए, फिर असर पड़ी। ये करते करते मगरिब हो गई और रात हो गई। फिर मैंने बोला अब मुझे कहीं जाना नहीं है क्योंकि बारिश भी हो रही थी। मैंने दोस्तों को कॉल की, उन्होंने कहा अब क्या फायदा, 14 अगस्त गुजर गया, हमने तो दिन में वीडियोस बनानी थी, अब हो रही है रात। चलते हैं अशर और बिलाल के पास कि कल रात को ये लोगों को कितना मजा आया। पहले हम पूछते हैं अशर से, फिर पूछेंगे बिलाल से। अशर बताओ 14 अगस्त नाइट आपने कितनी मजे की गुजारी,
आप कहाँ कहाँ गए बताओ थोड़ा। यार हम पहले गए वो फाइव स्टार चोरंगी गए वहाँ पर। किसके साथ गए? आपके साथ गए। थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू। वेलकम वेलकम। आपके साथ गए फिर हम लोग पटाखे वहाँ पर फूटे फिर हम घर फिर हम गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खा के हमने एक घंटा फिर हमने अपने संभाल लिया वो 14 अगस्त का पॉपकॉर्न ले लिया सबार्टर बॉयज की तरह। और फिर इसके बाद हमने आइसक्रीम आइसक्रीम खाई इसके फिर सामान मंगा लिया फिर हम घर चले गए फिर हम सो गए। चलो भाई इसकी स्टोरी ये थी, इसने 13 अगस्त नाइट ऐसे गुजारी। और ये क्या कर रहा है? ये टिक बोटी है। ये बारबेक्यू है? तुझने बनाई है? तो कल अशर को बहुत मजा आया, बारबेक्यू खा रहा है, इसको बारबेक्यू खाने दो। बारबेक्यू जो मैंने दिखाई, हम 14 अगस्त को कहीं भी नहीं गए। अशर बिलाल ने बोला कि यार कहीं भी चलते हैं, कोई आउटिंग पर चलते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अशर ने 13 अगस्त नाइट जैसी गुजारी उसने वीडियो में आप लोगों को बता दिया। बारबेक्यू अशर जो बना रहा है वो सैंपल के तौर पे कि टेस्ट कैसा है बारबेक्यू का। अपने घर में ये प्लान किया है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए तो कहीं जाना नहीं है, हम घर में ही बारबेक्यू आज कर लेंगे। 14 अगस्त को हम करेंगे बारबेक्यू, तो आज हमारे घर है बारबेक्यू। अब चलते हैं बिलाल के पास और देखते हैं कि उसको कल रात कितनी मजा आई। और आज करेंगे हम बारबेक्यू में एंजॉय, थोड़ा डांस, थोड़ी तफरियां और फिर बारबेक्यू को खाएंगे। तो सारा सामान हमने ऊपर लेके जाना है। बिलाल बताओ आपको कल कितनी मजा आई? मेरा बहुत मजा आई और चाय के बाद मुझे नींद नहीं आई। चाय के बाद कल आपने चाय भी पी? कल बिलाल ने चाय भी पिए, ये लोग गए थे आइसक्रीम वगैरह खाने, इनको मैंने खिलाई आइसक्रीम वगैरह, तो बिलाल ने कहा कि अब मैं चाय भी पीऊंगा, तो मुझे थैंक यू बोल दो। थैंक यू। वेलकम। ये देखो ये बाजे ना मैं तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई? ये सपाटर बॉयज की तरह ये एक बाजे नहीं दो बाजे बजा रहे हैं। वहां जाके बजाओ, वहां जाके बजाओ। ये बंदा बहुत तफरी कर रहा है। यार नहीं करो, ये बंदा बहुत तफरी कर रहा है। अब हमने घर के काम करने हैं। अब वो कह रहे हैं कि बारबेक्यू जब की है तो सारा सामान भी ऊपर पहुंचाओ। स्पीकर है, कुर्सियां हैं और भी सारी चीजें हैं, कोयले हैं, आग जलानी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो वो कह रहे हैं कि बस जल्दी से ऊपर आ जाओ, टाइम भी शॉर्ट है। अब चलते हैं ऊपर और करते हैं घर के सारे काम। पहले मुझे स्पीकर और कॉपियां लेके जानी है, कागज बड़े काम आते हैं, तो स्पीकर को पहले हम ऊपर ले जाते हैं। स्पीकर को मैं रखता हूँ यहाँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो असगर और बिलाल ने कोयले भी जला लिए, बोटियां स्टिक में डाल भी दी और बोटियां बनाने शुरू भी कर दी। अब इस्माइल ये तरपाल इधर बांध रहा है क्योंकि हमने सोचा कि बारिश आएगी और इतनी देर में बारिश आ गई और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। शुक्र है कि हमने तरपाल बांध लिए, देखो कितने स्पीड से पानी गिर रहा है। बारिश बहुत तेज़ थी, अब हो रहा है तेल गरम जो कि बारबेक्यू पे लगेगा। और ये रही बोटियाँ और स्टिक में हमने इतनी देर में डाल भी ली। ये रही प्याज जो कि अम्मा ने पानी में भिगोई है और हम इसे खाएंगे। और बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस कूलर को रख देते हैं इधर। और ये बाजे ये अशर बिलाल ने साइड पे फेंक दिए क्योंकि 14 अगस्त ख़त्म हो गई, अब बाजे का कोई काम नहीं। अब इस चेयर पे मैं बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ आके बैठ चुका हूँ और बारिश देख लो बिल्कुल बंद हो चुकी है। असगर ने सीखे बना ली हैं और मैंने बोला है कि यार मुझे टेस्ट के लिए दो, तो अशर ऊपर आ गया है। और अशर मुझे दे रहा है, मुझे दे दो यार। मैंने अशर से मांगी भी नहीं और अशर ने मुझे दी है। क्या हुआ? अशर ने मुझे बिना मांगे ये बोटियां दी हैं और मैं अशर को थैंक्स बोल देता हूँ। अशर थैंक यू सो मच जो आपने मुझे बिना मांगे बारबेक्यू की बोटियां दी। आप कटो यहाँ से और मुझे खाने दो। मैं क्या हो गया? इतनी सी तो है, अब क्यों खिलाऊं? सिर्फ 5-6 हैं बस। आप 5 नहीं है, 10 है। तो 10 है ना, मैं खाऊंगा, वहाँ से ले लो और मिल जाएंगी, वहाँ से ले लो। कटो, शाबाश शाबाश, कटो कटो। अच्छा ले लो, कटो यहाँ से। भाई मैं क्यों खिलाऊं अपनी, इसने दे दी तो मैं खाऊंगा ना यार। लाल की नजरें इधर ही हैं, अब इधर आने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ कटो यहाँ से, खाने दो मुझे। चेक करो बस, ये बारबेक्यू की बोटी और ये बड़ा मजा की है, सबसे अच्छी आज की बनी है।
वाह यार भाई, पाकिस्तान के लड़के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें देखो खाने से ही फुर्सत नहीं है। वाह यार वाह। और ये लो खा के दिखाओ, पूरी खाओ पूरी खाओ यार। अशर आपको क्या मस्ती है, इधर आपको भी खिलाओ यार। ये लो इमली के साथ, ये लो। कैसी बनी है, मजे की है? थैंक यू तो बोल दो। मोटू मोटू ये बाजा बजा रहा है इधर, शपाटर बॉयज बजाते जाओ इधर पे। इसे बंद करो, ऐसे ही सर में दर्द हो गया इसको सुन सुन के। अशर ने बाजा बजाया और उसमें नेशनल एंथम सीखा। अच्छा बजा के दिखाओ सबको, बजा के दिखाओ। क्लैपिंग कर दो अशर के लिए, जिसको समझ आया कि उसने सही बजाया है तो कमेंट में बता दो हाँ कि अशर ने सही बजाया है। माशाल्लाह। वो भाई क्या कर रहे हो, अरे अंदर बाहर नहीं जाना। ओए ओए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। इनकी चिकन ये पड़ी हुई है, लो चिकन खा लो, चिकन खा लो बाबा, चिकन खा लो। क्या हाल है भाई, क्या हाल है। इसको मजा आ रही है, ये इसके हैं बच्चे जो कि अपनी मस्ती में हैं। गीले हो जाओगे पूरे, इधर आ जाओ। ये देखो इसके बाल वगैरह पूरे गीले हो गए, इधर आओ इधर आओ। बस जमीन पे गिरा दिया बिलाल ने। बैठ जाओ बैठ जाओ, ये लो यार। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चाय चेक करो यार, चेक करो बस। हाँ भाई दिल हो रहा है क्या चाय पीने का, कोई मसला नहीं है यार, हम तो बस वीडियो में दिखा सकते हैं। अगर किसी को पीना है तो बता दे, तुम्हारे भाई हाजिर है, जिधर पहुँचानी है गरम गरम चाय पहुँचा सकता हूँ। कल की रात अशर लाल ने बहुत एंजॉय किया और मुझे थैंक यू भी बोला, मैंने उनको कह दिया भाई वेलकम। और आज हमने 14 अगस्त के दिन बारबेक्यू की, क्योंकि मैं बहुत लेट उठा था, मगरिब हो गई थी, बहुत लेट हो गया था और मैं दोस्तों के साथ जा भी नहीं सका क्योंकि वीडियोस बनानी थी दिन में। अब इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। ब्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में बताओ कि चाय पीने का दिल हो रहा है, बारबेक्यू खाने का दिल हो रहा है, व्लॉग कैसा लगा ये बता दो कमेंट में। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।